हेलो एवरीवन गाइस, सो कैसे हैं आप सब। आज हमें देखना है अपना नया चैप्टर बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 13। जैसे कि आप जानते हैं, हमने बहुत जल्दी ही चैप्टर नंबर 11 और 12 खत्म कर दिया है, और ये हमारे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसका पार्ट नंबर 1 है। आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, और आप अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और सभी लोग में यार आप शेयर कर दिया करो, जिससे कि सभी की हेल्प हो जाए करे। तो शेयर करोगे और पढ़ाई करोगे तभी आगे बढ़ोगे, वरना फिर फायदा क्या है मेरा भी अपलोड करके, फिर भरो पैसे जाके कहीं भी जाओगे तो यहाँ पे आपको फोकट में सारी चीज़ें मिल रही हैं। और इससे बेस्ट तो आपके क्लास वाले भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाले, ये आपको भी मालूम है, ठीक है। और अगर कोई आपको सजेशंस देने हो तो आप फटाक से दे सकते हो भाई, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ही मुझे चलना है। तो आप बस बताओ कैसा आपको पसंद है, मतलब कैसा आपको लाइक है, तो उस हिसाब से आप बताओगे तो मैं आगे जाऊँगा, ठीक है। सो आपको बताना है सारी चीज़ें। अगर आप चाहो तो मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आपको कोई भी नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए रहेगी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, उसे क्लिक करके आप लोग यहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हो और सारी नोट्स ले सकते हो। तो लेट्स बिगिन गाइस, बहुत ही मजा आएगा इस चैप्टर में, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार चैप्टर है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, आपको पता है कि हमको बस आज यहाँ पे नेचर के बारे में बात करनी है, और हमको प्रकृति जो हमारी है वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है उसी के बारे में आज हमें यहाँ पे बेसिकली बात करनी है। तो जो हमारा नेचर है ना, नेचुरल वर्ल्ड, दुनिया है हमारी, जो यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, तो ये सारी चीजें हमारे अर्थ में है, मतलब डाइवर्सिटी तो कहो ही मत। अब देखो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो सिंबल है, ये हमारे इंडिया से ही जन्मा है, हमारे इंडिया में ही ये चीज प्रेजेंट है, और हमारे इंडिया से ही सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। मतलब इंडिया है तो सब लोग हैं, ऐसा मुझे लगता है, बाकियों का नहीं पता, क्योंकि इंडिया से सारी कल्चर, पुरानी दुनिया की सारी कल्चर जो है वो इंडिया से आगे बढ़ी है। मतलब इंडिया बहुत ही डाइवर्स है, बट इसके अंदर यूनिटी भी है, ये सब देखने को मिलता है। डाइवर्सिटी के साथ साथ बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं, मतलब रिलेशंस में कॉम्प्लेक्सिटीज है, फॉर्म्स में डाइवर्सिटीज है, फॉर्म्स मतलब दिखावे में डाइवर्सिटी है, और रिलेशंस में हमारे यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, चाचा के, मामा के, दादा के, क्या क्या पता नहीं। तो वैसा इंसानों की बात अभी मैं फिलहाल कर रहा हूँ, ठीक है। बट बेसिकली हमें यहाँ पे टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या आने वाले हैं, हमारे पॉपुलेशन में हमारे प्लांट्स के पॉपुलेशन, हमारे ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन, ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या क्या कहाँ प्रेजेंट है, तो उन सभी के बारे में बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो होता है, मतलब स्टडी का जो लेवल है, यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में, साइंस 2 के क्लास 10th में, वहाँ पे आपने पढ़ा था स्टडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन लिविंग जो वर्ड का होता है। तो आप ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या कहलाता है एग्जैक्टली, तो किस लेवल में आपका स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, बॉडी के सेल किस लेवल में आगे बढ़ते हैं और डेवलप होते हैं, यही सब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ड कहलाता है। तो बेसिकली आपको पता भी है कि जो ये मतलब लिविंग वर्ड में जो लेवल्स होते हैं, ये लाइक मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज हैं, और इकोसिस्टम एंड बायोम्स हैं। ये सारी चीजें आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ रखी है, मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को, चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन साइंस 2 क्लास 10th में, ठीक है। तो ये बहुत ही मजेदार चीजें होती है जिसे आपको अभी यहाँ पे फिलहाल देखना है, और बहुत ही मजा भी आएगा इन चीजों को पढ़ने में। अब जैसे कि देखो, मैक्रो है, मैक्रो मींस बड़ा मॉलिक्यूल, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स, फिर सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, इन हिसाब से कैसे इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, पॉपुलेशन कैसी है, कम्युनिटीज कैसे फॉर्म हो रही है, व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज बायोम्स, ये नया वर्ड है, तो इस सब का मतलब क्या है, ये सब हम यहाँ पे जानेंगे। आपको ना स्टार्टिंग में भी नए नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच कहूं, ये चैप्टर बहुत ही आसान और बहुत ही एकदम चिंदी सा है, ठीक है, ये बात आप क्या समझनी है ना। अब हम नया टॉपिक इंट्रोडक्शन ये भी हमारा चल रहा है, तो स्टार्टिंग में आपको मिलेगा कि व्हाट इज इकोलॉजी, भाई वहां पे इकोलॉजी के बारे में दिया है, मैंने उसको एक टॉपिक बना के आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, लाइक व्हाट इज इकोलॉजी, एग्जैक्टली इकोलॉजी क्या है। सो लॉजी मीन्स, जैसा कि आप जानते हो, स्टडी करना होता है, जो हमारा लॉजी वर्ड है इसका मतलब होता है स्टडी करना, और इको मतलब होता है इन्वायरमेंट, ठीक है, तो इन्वायरमेंट की स्टडी करना, लेकिन इन्वायरमेंट में किसकी स्टडी करना, तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या क्या चल रहा है वो, और अमंग मतलब पूरे जितने भी ऑर्गेनिजम्स, बायो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अगर सपोज एक माइक्रो ऑर्गेनिजम और एक मैक्रो ऑर्गेनिजम है, तो इन मैक्रो और माइक्रो के बीच में भी, और दो माइक्रो और दो मैक्रो के बीच में भी, समझ रहा है, मतलब बड़े ऑर्गेनिज्म और छोटे ऑर्गेनिजम्स, तो ऐसा इंटरेक्शन, तो ये हमारा इसी की स्टडी जो इन्वायरमेंट में ये करते हैं, मतलब जो भी ये एनालिसिस होता है इनका, इसी की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ये आपको समझ गया होगा। ये टर्म को सबसे पहली बार रीटर ने मतलब यूज किया था, लेकिन पॉपुलर ही तब हुआ जब इसका नाम ई हैकेल ने बहुत ज्यादा आगे सब्सटेंसेस इसके बारे में बताए और इंट्रोड्यूस किया इकोलॉजी को, तब दुनिया में ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ इकोलॉजी, मतलब पहले इकोलॉजी कोई नहीं जानता था, ठीक है ना। अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इकोलॉजिकल हायरार्की के
बारे में पढ़ेंगे, ये भी आपको इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में ही मिल जाएगा। इकोलॉजिकल हायरार्की एग्जैक्टली क्या होती है? देखो यार, हायरार्की का मतलब होता है कि जैसे कि एक के बाद एक ऐसे तीन बने, फिर इनके दो तीन बनेंगे, फिर इनके दो तीन बनेंगे, दिस इज दी हायरार्की का लेवल, फिर इसके भी और बनेंगे, फिर इसके भी और बनेंगे, समझ रहे ना, दीज आर दी हायरार्की। ठीक है, सो इकोलॉजिकल हायरार्की एग्जैक्टली क्या है, मतलब इकोलॉजिकल, इकोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है? अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि इकोलॉजी क्या है, कि इंट्रैक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, तो ये हमने देखा। बट एग्जैक्टली व्हाट इज इकोलॉजिकल हायरार्की, इसी इकोलॉजी की जो हायरार्की है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, ये बातें आपको समझ कर रखनी है, ओके, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इकोलॉजी में क्या होता है कि हम सभी की स्टडी करते हैं, सभी को ग्रुपिंग करते हैं, मतलब कि पूरे ऑर्गेनिज्म को हम एक जैसा समझते हैं, एक जैसा एनिमल को हम यहाँ पे समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एंड देन हम उसकी स्टडी करते हैं। तो इनमें कौन कौन आता है, मतलब ये ग्रुपिंग में कौन कौन आता है, तो इस ग्रुपिंग में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है भाई, और इसमें आते हैं ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम्स, ये सब एक ही है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि देखो ऑर्गेनिजम्स अब कुछ अलग हो गए, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को मिलाओगे तो पॉपुलेशन बनती है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, और फिर कम्युनिटी से ऐसे बायोम्स, तो इनके बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, मतलब ये चार पार्ट्स में इकोलॉजी की हायरार्की चलती है, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अभी हम लाइन बाय लाइन इन चार के चारों को समझेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या होते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, अभी आपको पता चलेगा, जबकि बहुत आसान है। अब ऑर्गेनिजम्स के बारे में कोई भी बताएगा, व्हाट इज पॉपुलेशन, ये तो कोई भी बता देगा, आपने चैप्टर नंबर 5 अपने क्लास 12th बायोलॉजी में भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब इकोलॉजी की एक हायरार्की है जिसमें ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम्स आते हैं। अब देखो हम देखते हैं इनके बारे में, गाइज आपको बता दूं कि इंडिविजुअल कोई भी एक चीज जो कि बेसिक यूनिट होता है किसी भी इकोलॉजिकल हायरार्की का, एक कोई भी बेसिक यूनिट होता है उसी को ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, मतलब कोई भी एक सिंगल कोई भी चीज जो एक इकोलॉजी का सबसे पहला और बेसिक यूनिट कहलाता है, मतलब अगर वो नहीं तो इकोलॉजी नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैं हूं खुद, या फिर हम ह्यूमन बीइंग्स अगर नहीं तो फिर कोई भी मतलब इकोलॉजिकल हायरार्की नहीं बनेगी, या इस दुनिया से अगर सारे प्लांट गायब हो जाए, सारे ह्यूमन बीइंग और एनिमल गायब हो जाए, तो काहे की इकोलॉजी, ठीक है। सो ऑर्गेनिजम्स मतलब कोई भी एक वो इंडिविजुअल चीज या कोई भी एक इंडिविजुअल वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक बेसिक यूनिट होता है हमारी इकोलॉजिकल हायरार्की का, विदाउट ऑर्गेनिजम्स कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, यही जो हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, यही सारे ऑर्गेनिजम्स सेम काइंड के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि अभी मतलब मेल की पॉपुलेशन, फीमेल की पॉपुलेशन, टाइगर की पॉपुलेशन, एलिफेंट की पॉपुलेशन, बर्ड्स की पॉपुलेशन, तो ऐसी अलग अलग सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंबाइंड होते हैं और एक ज्योग्राफिकल एरिया में वो रहते हैं, और उसी एरिया में इन सारे सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रहने वालों को हम कहते हैं एक पॉपुलेशन। तो आई होप आप पॉपुलेशन समझ गए होंगे, व्हाट इज कम्युनिटी, तो इस तरीके की बहुत सारी बड़ी बड़ी पॉपुलेशन, जैसे कि अभी अगर हमारे में सपोज हम मेल और फीमेल्स हैं, तो हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन एक ठाणे एरिया में रहती है, फिर एक मुंबई के एरिया में रहती है, फिर ऐसे एक पुणे एरिया में रहती है, फिर एक नागपुर एरिया में रहती है, समझ रहे ना मतलब क्या बोल रहा हूं। तो ऐसे अलग अलग इंसान जो है ये सब अलग अलग अपनी अपनी पॉपुलेशन बना करके और एक एरिया में रहते हैं, जिसमें से हम उस पूरी एरिया को कम्युनिटी कहते हैं, समझ गया, और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं सेवरल वेज में, अलग अलग तरीके से, समझा व्हाट इज कम्युनिटी। एंड लास्ट आता है हमारा बायोम्स। अब ये बायोम्स क्या होता है, ये एक लार्ज रीजन को मतलब अपने पास कंस्टिट्यूट करता है, एक टेरेस्ट्रियल यूनिट को, जैसे कि एक बड़ा सा नागपुर का एरिया, एक है हमारे पास अमरावती का एरिया, या फिर हमारे पास पुणे का एरिया है, धुले का एरिया है, ठाणे का एरिया, मुंबई का एरिया है ना, पुणे का एरिया, जो भी सारी चीजें हैं, तो ऐसे एक बड़ा सा रीजन को ये क्या करता है, बायोम्स उसे क्या करता है, कंस्टिट्यूट करता है। और उसके अंदर कौन कौन हो सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक अगर महाराष्ट्र एक बायोम्स मैं कह सकता हूं ऐसा, ठीक है। तो महाराष्ट्र के पास अभी क्या है, बहुत सारे अलग अलग रीजन है। अभी अगर आप नागपुर साइड में जाओगे तो वहां पे मतलब कैसा, अभी मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि जो हमारा बंगाल, बे ऑफ बंगाल है, उधर से सारी हवाएं आती हैं, वहां का क्लाइमेट है। मुंबई साइड में एकदम ज्यादा गर्मी और कुछ नहीं होती है, बट नागपुर साइड में ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंडी होती है ठंडी के मौसम में, बट मुंबई जैसे शहरों में यहाँ पे गर्मी और ठंडी पता नहीं चलता है। तो ये सारी चीजें मतलब जो इंपॉर्टेंट आपको समझनी, तो क्लाइमेट का जोन अलग अलग रहता है एक ऐसे रीजन में, मतलब एक ही रीजन जिसमें अलग अलग क्लाइमेट का जोन हो उसे हम कह सकते हैं कि वो हमारा बायोम्स कहलाता है। यहाँ पे अलग अलग प्लांट की कम्युनिटीज हो सकती हैं, वेजिटेशन के अलग अलग जोन्स हो सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारे फ्लोरा एंड फनाज होते हैं, ये बहुत ही अलग अलग कंडीशंस में एक ही रीजन में कंस्टिट्यूट कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं बायोम्स। जैसे कि अपना एक महाराष्ट्र फॉर अ रीजन, ये बायोम हो सकता है।
ओके नाउ अभी हम आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट अराउंड, ये हमारा एक टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन दिया हुआ है कि इकोलॉजी क्या होती है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको समझना है तो कि इकोलॉजी को अभी ये पूरा आपको याद करना है, ठीक है, इस लाइन को पूरा याद कर लेना है। एग्जैक्टली समझते हैं कि इकोलॉजी एक ऐसा लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जिसमें ना बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं एनिमल या फिर प्लांट्स के फिजियोलॉजी के बारे में, मतलब कि उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, उसका बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें क्या है, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। और तो और हम इसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे उनका एडॉप्शन था, कोई भी एनिमल कैसे अपने आप को एडॉप्ट करके आगे बढ़ा, कैसे कोई ह्यूमन बीइंग्स अपने आप को एडॉप्ट किया किसी भी एनवायरनमेंट में, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। और नॉट ओनली फॉर द सर्वाइवल, उसने अपने प्रोपगेशन के लिए कैसे एडॉप्ट किया, मतलब देखो सर्वाइव होने के लिए तो सभी एडॉप्ट बेसिकली करते ही है। अभी तुम लोग मतलब स्टडी करो तो क्यों कर रहे हो, अपने आपको मतलब स्टडी इसलिए कर रहे हो जिससे कि तुम सर्वाइव कर सको, है ना। तो अपने आपको धीरे धीरे आप नॉलेज को गेन करके अपने आपको आप एडॉप्ट करवा रहे हो, मतलब नॉलेज को, अगर जिसको बायोलॉजी नहीं आती, जिसको फिजिक्स नहीं आता, जिसको केमिस्ट्री नहीं आती, तो वो अपने आपको उसमें अडॉप्ट कर रहे हो कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री धीरे धीरे आ जानी चाहिए। स्टार्टिंग में किसी को सब कुछ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें अडॉप्ट हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारा मतलब अगर आप अचानक से यहाँ से हिमालय जाओगे और वहीं पर रहने लगोगे तो स्टार्टिंग में बीमार पड़ जाओगे, ठीक है, तो आपको फिर धीरे धीरे उसमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अडॉप्शन यहाँ पे इकोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि सिर्फ अडॉप्ट किया इंसान ने हो तो ठीक है, या फिर प्लांट से अडॉप्ट किया हो ठीक है, लेकिन सिर्फ अडॉप्शन नहीं, अडॉप्शन के लिए हम लोग ने वो प्रोपगेशन भी कैसे कर रहा है अडॉप्ट करके, हम उसकी भी स्टडी करते हैं। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है, ओके। और तो और गाइज, आपने अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने बहुत सारी चीजें स्टडी की हैं ऑलरेडी, कि हमारा जो अर्थ होता है, बेसिकली अर्थ हमारा रोटेट करता है सन के अराउंड एक पर्टिकुलर एक्सिस में, और अलग इसी वजह से हमारे अर्थ में बहुत सारे सीजन आते हैं, है ना, डे नाइट ये सब सीजन, बारिश का मौसम, ये सब कुछ आता है। अगर अर्थ रोटेट ना करे सन के, तो दिन रात कुछ नहीं होगा, तो फिर डे भी आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीजें, ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे एनुअल वेरिएशंस भी होते हैं, मतलब अर्थ में कि किस तरीके से मतलब प्लांट्स आगे बढ़ेंगे, प्लांट्स कम बढ़ेंगे, सारी चीजें इस तरीके से, मतलब इसमें एनुअल वेरिएशंस भी होते हैं। ये सभी चीजें हमको अच्छे से समझ कर रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है। जैसे कि अभी रेनिंग होती है, स्नो होता है, और बहुत सारे राइज एंड फॉर्मेशन होते हैं मेजर बायोम्स में, कोई बायोम्स है लाइक डेजर्ट्स, अब देखो पूरा राजस्थान का एक बायोम है जहां पे पूरा डेजर्ट डेजर्ट है, फिर से रेनी फॉरेस्ट में आप मासिन राम साइड में जाओगे तो वहां पे सारी चीजें हैं, ऐसे ग्रासलैंड, टुंड्रा रीजन्स आप ज्योग्राफी में पढ़े रहोगे, तो ये सारे अलग अलग फिर बायोम्स क्रिएट हो जाते हैं अगर अर्थ का रोटेशन मतलब होता ही है फिलहाल तो, और इन्वायरमेंट अगर चेंज होता है तो, मतलब अगर एनुअल वेरिएशन हर साल अगर ऐसे ही वेरिएशन आता है, प्रेसिपिटेशन होता है, तो फिर मतलब अर्थ में बहुत अलग अलग कंडीशंस में डेजर्ट बनते हैं, कहीं रेन फॉरेस्ट बनेगा, कहीं ग्रासलैंड, कहीं टुंड्रा रीजन बनेगा, तो ये सब ऐसे ऐसे बनते रहते हैं, अलग अलग रीजन आते रहते हैं। अब किसमें थोड़ा सा ग्राफ दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख लो कि कुछ डेजर्ट का रीजन है, कुछ ग्रासलैंड का रीजन है, फिर कुछ ऐसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट और कॉनिफेरस एंड आर्टिके एंड अल्फिना जो हमारे पास टुंड्रा है, ये सारे सारे अलग अलग रीजन है। ये आपको ग्राफ कोई समझने की कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज जस्ट नॉर्मल, ठीक है, बस आपको ज्योग्राफिकल कंडीशन यहाँ पे बता रखा है ऐसी थोड़ा बहुत कि किस तरीके से क्या क्या कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, बस इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, एग्जैक्टली जो अर्थ होता है हमारा यहाँ पे लाइफ जो एग्जिस्ट करती है आपको पता भी है, और यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट में लाइफ एग्जिस्ट करती है, फॉर एग्जांपल राजस्थान में, फिर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में और हिमालयाज में, यहाँ पे ये तीनों कंडीशन बहुत ही डेंजरस है। अभी राजस्थान में आप पानी और मतलब खाने के बने मर जाओगे, फिर नॉर्थ ईस्टर्न में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे बहुत बारिश होती है, हिमालय रीजन में बहुत ठंडी होती है, तो ये अलग अलग कंडीशन अलग अलग स्टेट वाइज जो होता है ना, मतलब कि बहुत ही इंसान अपने अपने हार्श और मतलब बहुत ही खतरनाक एक्सट्रीम कंडीशन में रहने की हैबिटेट को झेल चुका है, ऐसे एडॉप्शन कर चुका है इंसान ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ मैं बात करूंगा कि यहां पे ना तो सिर्फ मतलब जो हमारा जो हमें रिमेंबर करना चाहिए कि ना तो सिर्फ यहां पे ओनली फिजियोलॉजिकल और केमिकल अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात की जा रही है, बट यहां पे बहुत सारे मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स भी है, लाइक प्लांट्स, पैथोजेंस, पैरासाइट्स एंड प्रेडेटर्स और ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जो प्रेडेटर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ये सब भी हमारे ऐसे हार्श कंडीशंस में, एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने की आदत डाल चुके हैं, ठीक है, यही बातें हैं। और तो और अगर आपको बताऊं तो जैसे जैसे हमारा टाइम जाता है, पीरियड ऑफ टाइम जैसे बढ़ता है, उस तरीके से ऑर्गेनिजम्स और भी खतरनाक तरीके से मतलब नेचुरल सिलेक्शन करते हैं, उनके अंदर इवोल्यूशन होता है, एडॉप्शन करते हैं, और वो अपने आप को ऑप्टिमाइज भी करते हैं अच्छे अच्छे सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए किसी भी हैबिटेट में। तो ये सारी चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स बन जाती हैं। अब मैं आपको थोड़े बहुत कुछ टर्म्स बताना चाहूंगा, जैसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इथोलॉजी, तो इसको सबसे पहले किसने क्वाइन किया था, मतलब हिलेर ने, मतलब हिलेर इनका नाम है, और इनको लेकिन ये ज्यादा पॉपुलराइज नहीं हुआ, फिर पॉपुलराइज कराने के लिए एक W.M. व्हीलर ने इनके बारे में स्टडी की और इस वर्ड को उन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, डिनोट करता है कि जो हमारा मतलब एनिमल्स है किसी भी एनवायरमेंट में रहते हैं उनका बिहेवियर कैसा है, मतलब कि बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स इन रिलेशनशिप टू द एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये मतलब जो एनिमल्स हमारे एनवायरमेंट में रहते हैं तो इसका बिहेवियर कैसा है,
यही हम इथोलॉजी भी पढ़ते हैं। व्हाट अबाउट इकोलॉजी, इसको मैंने आपको बताया ना कि ई हेकल का नाम जानते हैं दुनिया, रिटेल का नाम नहीं जानते। हमने रिटेल देखा था वहां पे, उनका नाम नहीं जानते, सब लोग हेकल का नाम जानते हैं, बिकॉज इन्होंने सबसे पहले से क्वाइन किया था। और ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट्स विद देयर सराउंडिंग्स, मतलब कि कैसे, जैसे हिमालय रीजन है तो वहां पे प्लांट्स कैसे हैं, अगर कोई एनिमल है तो वहां पे मतलब वहां का रीजन कैसा है, तो मतलब सराउंडिंग और वहां पे रहने वाले एनिमल या फिर प्लांट्स का कंडीशंस क्या है, एक दूसरे से रिलेशन क्या है, यही इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बेसिकली। व्हाट इज बायोनॉमिक्स, बायोनॉमिक्स बेसिकली लैंकस्टर एक इंसान थे जिन्होंने इसे परफॉर्म किया और इन्हें इसे क्वाइन किया इस वर्ड को। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, कोई भी सिंगल ऑर्गेनिज्म और उसके जो एनवायरनमेंट होते हैं उसके बीच में स्टडी करना ही बायोनॉमिक्स कहलाता है। व्हाट इज द एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जो हम कहते हैं मॉडर्न इकोलॉजी भी कहते हैं। तो ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या होती है, ये बेसिकली 20th सेंचुरी में आई और जीएल क्लार्क और ओडम इन्होंने दोनों ने क्या किया, इसे मतलब इंफेसाइज किया और इन्होंने बताया कि मतलब जो ये फंक्शनल, इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं तो इसमें फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड सराउंडिंग, मतलब कि बेसिकली हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस कहती हैं और इंटर रिलेशन कैसी है हमारे ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर मैं हिमालय में रहता हूं तो वहां पे मैं ज्यादा गोरा हो जाऊंगा और मेरी जो स्किन है एकदम पतली हो जाएगी, लेकिन अगर मैं अफ्रीका में रहता हूं तो मैं काला हो जाऊंगा और मेरी स्किन बहुत ब्लैक और मोटी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें एनवायरमेंटल बायोलॉजी ये होती है, जिसे हम मॉडर्न इकोलॉजी भी कहते हैं। व्हाटएवर बायोस्फीयर, बायोस्फीयर जो होता है ना, ये ऑल एंड ईच एंड एवरी इकोसिस्टम्स ऑन द अर्थ कंस्टिट्यूट बायोस्फीयर, मतलब कि अपने अर्थ में जितने भी इकोसिस्टम है सबको मिला करके, छोटे छोटे इकोसिस्टम को हम मिला करके कहते हैं कि ये हमारा पूरा एक बायोस्फीयर है, समझ रहे, जिसे हम अर्थ भी कहते हैं। बायोस्फीयर मतलब अर्थ, ठीक है, ये भी आप कभी कभी कहा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है एक बड़ा सा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर इकोसिस्टम रहते हैं, अब इस बड़े से इकोसिस्टम को हम कह सकते हैं कि ये हमारा बायोस्फीयर है, ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। नाउ गाइस अभी हमें जानना है कि भाई एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड निश, इसे नीचे नहीं पढ़ते। पहली बार जब मैं अपने मतलब क्लासेस और कॉलेज में दोनों जगह था 12th में, तो वहां पे क्या था ना कि वहां पे सर जब इसको पढ़ाए तो ये लिखा था नीचे तो मैं इसे पढ़ रहा था नीचे, सर ने मेरे को पकड़ के बहुत मारा था, मेरे को अभी भी याद आता है इस चीज में। मैं बोलता सर ये तो नीचे लिखा है ना, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज बोलते हैं नीचे, नहीं है बाबा ये नीश नीश, ठीक है, इसको ऐसा प्रोनाउंशिएट करते हैं। और इसका मीनिंग अभी मैं आपको बताता हूं, पहले समझो भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट समझते हैं यहाँ पे क्या है। तो देखो हैबिटेट एक ऐसा एरिया होता है, अब आपको समझ गया होगा, ये एक ऐसा एरिया है जहां पे बहुत सारे स्पेसीज जो होते हैं वो एक साथ लाइफ यानी रहते हैं और एक साथ इंटरेक्ट करते हैं और विद द अदर फैक्टर्स एंड प्रॉस्पर, ये बात आपको समझनी है। बट व्हाट अबाउट द नीश, नीश एक कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि हैबिटेट जैसा कि कोई वहां पे इंसान हो और वो लाइफ मतलब रहते हो और इंटरेक्ट करते हो एक दूसरे से, ये सब नहीं होता, ये तो हैबिटेट है। बट व्हाट अबाउट द नीश, नीश में एक ये टाइप का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ना हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, जिंदगी जीते हैं, किस तरीके से सरवाइव करते हैं किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में, उसे हम कहते हैं नीश। अब जैसे कि अगर साउथ इंडियन नीश की बात करो तो वहां पे लोग चावल एंड मच्छी भात खाते हैं, ठीक है, और उनका खाने का तरीका अलग है, वहां पे पूजा पाठ अलग तरीके से होती है, भगवान की वर्शिपिंग अलग तरीके से करते हैं, मंदिर बड़े बड़े होते हैं, है ना, बहुत सारे लोग संस्कृत बोलते हैं, इंग्लिश ज्यादा चलती है, तो ये सब वहां का नीश है। अब अगर मैं कोई वहां पे बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मैं कैसा नीश दिखूंगा कि वहां पे मुझे अगर मुझे कुछ स्टार्ट करना है तो मैं हिंदी नहीं बोल सकता, मुझे या तो साउथ इंडियन लैंग्वेज आनी चाहिए या तो फिर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए इंटरेक्ट करने के लिए। तो वहां का नीश कुछ इस तरीके से, मतलब नीश एक कॉन्सेप्ट है ना कि कोई एक तरीका, मतलब ना कि कोई एक चीज, मतलब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि बेसिकली किस तरीके से हमारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सर्वाइव करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। एक किसी भी हैबिटेट को बहुत सारे नीश हो सकते हैं, क्योंकि हैबिटेट तो वो चीज है जहां पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, सब हमारा क्या कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है, ठीक है। बट अभी मान लो इसी हैबिटेट में, मतलब अभी महाराष्ट्र का रीजन ये एक हैबिटेट था, यहाँ इसी हैबिटेट में मध्य प्रदेश का रीजन है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे अगर सपोज साउथ इंडिया है, तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे मतलब अलग अलग एरिया हो सकते हैं। अब अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है तो यहाँ का नीश अलग है, मतलब यहाँ पे फैशन वगैरह चलता है। बट अगर वहीं पे अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे पॉलिटिकल गेम ज्यादा चलते हैं और यहाँ पे पैसा पॉलिटिक्स ये सब ज्यादा है। फिर साउथ इंडिया में जाऊं तो मतलब रिसर्चर्स और मतलब स्पेस सेंटर्स बहुत सारे हैं साउथ इंडिया में, ठीक है। तो ये सारी चीजें अलग अलग जगह का अलग अलग नीश हो सकता है, बट हैबिटेट हमारा एक ही है। तो एक हैबिटेट में बहुत सारे नीश हो सकते हैं, बट एक नीश में बहुत सारे हैबिटेट नहीं हो सकते।
ये बात आपको समझनी है। फिर आपको हैबिटेट का मतलब समझना है कि यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉलिंग और अबायोटिक फैक्टर्स यहाँ पे हो सकता है, बट यहाँ पे निश में क्या होता है, यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, ना कि कोई भी यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पड़ता है। बिकॉज एक पर्टिकुलर एरिया में क्या ही मतलब यहाँ पे मतलब इफेक्ट पड़ सकता है, ये बात आपको समझनी है। बट यहाँ पे हैबिटेट में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे न्यूमरस स्पीसीज को टाइम टू टाइम सपोर्ट करते हैं, बट इन द केस ऑफ निश ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, यहाँ पे सिंगल स्पीसीज को ही सपोर्ट किया जाता है। अब जैसे कि अगर मान लो कोई भी एक कंपनी अगर आपको स्टार्ट करनी है, सो आप अगर एजुकेशन फील्ड में अगर कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका निश क्या होना चाहिए, आपका निश यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट्स रहेंगे, समझा कि नहीं, मतलब यहाँ पे दूसरे बिजनेसमैन है, दूसरे लोग नहीं रहेंगे, आपका निश कौन रहने वाला, स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। सो किसी भी एक एरिया में पर्टिकुलर सिंगल निश ही हो सकता है, ये बात आपको समझनी है। ऐसे मान लो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास हैबिटेट में बहुत सारे फिजिकल प्लेस हो सकते हैं, बट यहाँ पे निश में कोई फिजिकल प्लेस की जरूरत नहीं पड़ती, निश एक मेंटालिटी है, एक कॉन्सेप्ट है, समझा। अब देखो जैसे कि मैं अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है मुझे सपोज एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो मेरा निश कौन होगा, मेरा निश जितने रहेंगे सबके सब मेरे स्टूडेंट ही कहलाएंगे, समझ गया कि नहीं, समझ गया अच्छे से। तो ये मेरे सारे स्टूडेंट क्या कहलाएंगे, मेरा निश है, ठीक है। तो ये कोई पर्टिकुलर फिजिकल चीज है क्या, नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट है कि हाँ मेरा निश मेरा स्टूडेंट है, समझा। तो ये पर्टिकुलर ये कॉन्सेप्ट है, ना कि कोई फिजिकल चीज है, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। हैबिटेट जो होता है इसके पास कोई भी स्पेसिफिक स्पीशीज नहीं होती, यहां पे कोई भी स्पीशीज रह सकती है, बट निश में हमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीजों को देखनी होती है। अब जैसे कि अंबानी है, तो इन्होंने नेटवर्क के मामले में सभी लोगों को पकड़ रखा है, तो अंबानी ने बहुत सारे निश क्रिएट कर दिया, नेटवर्क के मामले में भी क्रिया ऑयल के मामले में, फिर पेट्रोलियम के मामले में, फिर ऐसे इंटरनेट के मामले में, ऐसे अलग अलग उन्होंने खुद निश क्रिएट कर दिया, समझा कि नहीं समझा, मतलब कि उन्होंने अलग अलग कंडीशन में अलग अलग निश को पकड़ा। तो ये बातें आपको समझनी है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पेसिस और स्पेसिफिक स्पेसिस नहीं हो सकती, यहाँ पे कोई भी स्पेसिस को आप पकड़ सकते हो, सबके सब निश में आ सकते हैं आपके, ठीक है, ये बातें आपको जाननी है। नाउ अभी डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट समझते हैं, आई होप आपको निश एंड हैबिटेट समझ गया होगा, बट फिर भी डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट जान लो। यहाँ पे बेसिकली हैबिटेट में क्या होता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर जो स्पेसिस होती है वो किसी भी एरिया में रहती है, वही हमारा हैबिटेट है, जो प्लेस और या फिर जो एरिया है वही हैबिटेट कहलाता है, ठीक है। और निश क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, उस एरिया में रहने वाले लोगों के अंदर क्या मन में चलता है उसी की स्टडी करना ही हमारा निश कहलाता है, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जो सनलाइट, एवरेज रेनफॉल, एनुअल टेम्परेचर और बहुत सारे टाइप ऑफ द सॉइल्स, ये सारी चीजें हम लोग हैबिटेट में चेक करते हैं। अब अच्छा, आप किसी भी हैबिटेट में जाओगे तो आप क्या देखोगे, अगर हिमालय के ठंडे वाले हैबिटेट में जाते हो तो वहां पर ठंडा है, बर्फ होता है, वहां के टुंड्रा रीजन है और वहां पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है और वहां पर शांति है और प्योर ऑक्सीजन है, यही सब आप देखोगे। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर निश में जाओगे तो आप क्या चेक करोगे कि वहां के लोगों की क्या है, वहां के लोग काम क्या करते हैं, कैसा वहां का रहना है, सहना है, क्या चीजें हैं वहां पे, खाना पीना सब क्या सिस्टम, ये सब वहां का निश कहलाएगा, समझ गया। निश एक कॉन्सेप्ट है, हैबिटेट एक फिजिकल कंडीशंस होती है, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। जैसे कि पॉन्ड, रिवर, ओशियन, ये सारी चीजें एग्जांपल होते हैं हैबिटेट के, ये बात आपको जाननी है, या प्लेस या किसी भी हैबिटेट के। यहां पे बहुत सारे माइक्रो हैबिटेट यानी छोटे छोटे हैबिटेट्स भी हो सकते हैं, लाइक टेरेस्ट्रियल, एरियल, एक्वेटिक, एर्बोरल, कोई भी यहां पे हैबिटेट्स हो सकते हैं। यहां पे बहुत सारे सेडेंटरी लेवल्स और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मोटाइल जो होते हैं यानी जो मूव करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे यहां पे हैबिटेट हो सकते हैं। आई होप आपको अभी हैबिटेट और यहां पे निश के निश में क्या डिफरेंस है ये अच्छे से समझ गया होगा। ना अभी हम समझते हैं एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ द निश, एग्जैक्टली निश क्या कहलाता है। तो निश के बारे में अगर बात करूं तो कोई इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बिकॉज बस यहाँ पे यही चीज है कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मतलब फिजिकल बॉडीज तो हो नहीं सकती, इट इज द कॉन्सेप्ट, ये बात आपको समझना है। इसको पहली बार जे ग्रिनल नाम के एक किसी भी इकोलॉजिस्ट ने क्या किया था, इसे पहली बार प्रपोज किया था, पहली बार इसे क्वाइन किया था इस वर्ड को, और इस वर्ड को बहुत बार मिस यूज भी किया जाता है, और क्योंकि इसका पर्टिकुलरली इसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट मैंने अभी तक आपको बता दिया जो इसका मतलब है, मतलब समझ रहे हो ना आप क्या बोल रहा हूँ, आपकी बुक ने खुद बोल दिया है कि आप इस पॉइंट को अगर समझोगे अलग अलग एंगल से तो कुछ भी इसका मतलब निकाल सकते हो और सब करेक्ट माने जाएंगे, इसीलिए इसका इस टर्म का कभी कभी गलत इस्तेमाल भी हो जाता है, बट इट्स ओके। अब जैसे कि नीश है, अगर सपोज दैट आपको मैं एक बात कहूं, अगर सपोज आप किसी भी मार्केट में जाओगे फिश की मार्केट में, तो वहां का निश कैसा है, सभी के सभी वहां पे फिश बेचने वाले रहेंगे, ठीक है, तो वो फिश मार्केट वहां का निश वैसा है। फिर वैसे अगर आप जाओगे कहीं और मतलब जहां पे मंदिर है, जहां पे मंदिर का दुनिया है, तो वहां पे पूरा क्या रहेगा, मंदिर वाला निश रहेगा, मतलब वहां पे पूरा मंदिर ही मंदिर रहेंगे, भगवान की पूजा पाठ पंडित सब वहां पे रहेंगे। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग निश होते हैं, ये बात आपको समझ के रखनी है, ठीक है। ऐसे जो निश होता है ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है किसी भी पोजीशन ऑफ द स्पीशीज को, ठीक है, वहां का स्टेटस कैसा है, किसी स्पीशीज के रहने का लेवल क्या है, वहां के सर्वाइवल लेवल क्या है, मतलब क्या वहां के लोगों की नीड जो फुलफिल होती है नहीं होती है, शेल्टर फूड उन्हें मिलता है या नहीं मिलता है, ये सारी चीजें, वहां पे एनर्जी का फ्लो कैसा हो रहा है, वहां पे मतलब जो बर्ड्स हैं वो कैसे हैं, वहां के लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है अंडरस्टैंड करना इन कंडीशंस में।
और तो और यहाँ पे ऐसे निश में क्या चीजें लेफ्ट है, वैकेंट अभी खाली क्या है। अगर सपोज जैसे कि अगर आप देखोगे कि इंडियन सोसाइटीज में जो लोग हैं उनके पास एजुकेशन कम है, तो आप देख सकते हो कि वहां पे जो गांव वाले जो विलेज वाले लोग हैं उनके पास एजुकेशन नहीं है। तो आपको एक ऐसा निश मिल रहा है जहां पे आप एजुकेशन की इंडस्ट्रीज खोल सकते हो, समझ गया। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब कौन सा वैकेंट है कौन सा खाली, ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं बेसिकली निश में। और भी आपको मैं बता दूं कि निश में बेसिकली एग्जैक्टली होता क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हो और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूनिक तरीके से यूनिक सिस्टम में एक यूनिक नीश हो सकता है। मतलब कि अगर स्पेसीज है, अगर अगर कोई एक सिंगल स्पेसीज चाहे तो वो खुद के ओन अपने खुद के नीश भी क्रिएट कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर इस वक्त अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वक्त कोई भी ऐसा दुनिया में चीज अवेलेबल नहीं है या फिर सारे लोगों के लिए, अगर अगर आपसे मैं चलो 10 साल पहले की बात करता हूं, तो 10 साल पहले क्या था कि आज से उड़ने वाली कार इन्वेंट नहीं हुई थी, लेकिन अभी क्या है किसी तो कंपनी ने, भाई मैंने सुना कि वो अभी फ्लाइंग कार बना दिया है, ठीक है। तो लोगों की अभी देखो वो क्या कर रहा है, वो नया निश क्रिएट कर रहा है, मतलब वो ऐसा निश क्रिएट कर रहा है जहां पे लोग फ्लाइंग कार से चलेंगे, समझा। तो एक ऐसा अलग ही लेवल में स्वैग बन जाएगा लोगों का, वो अलग ही सिस्टम एक अलग ही कॉन्सेप्ट लोगों का बनेगा, उनको हम हायर वीवीआईपी लोग समझेंगे जो उड़ने वाली कार से चलेंगे, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होगी, उसे सब एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उसे वही एफोर्ड करेगा जो ज्यादा स्टडी करके बहुत बड़ा इंसान बनेगा, बाकी सब तो ऐसे ही रहेंगे यहाँ पे अर्थ में नीचे रहने वाले, कोई उड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें निश, उसे हम कहते हैं निश, मतलब कोई अगर इंसान चाहे तो खुद का निश क्रिएट कर सकता है किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी हैबिटेट के अंदर, ठीक है, बात आपको समझनी है। फॉर एग्जाम्पल एक बर्ड जो है, तो ये ऐसा आप समझ सकते हो कि जो बर्ड्स है वो अपने हैबिटेट के ईटिंग के हैबिटेट से भी डिफर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बर्ड्स होती है जो हमारे इंसेक्ट को खाती है और कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जो सिर्फ फ्रूट्स खाती है, ठीक है, आपको पता होगा ना। ऐसे बर्ड्स में भी सोचो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनको भी इतनी समझ होती है, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे बर्ड्स हैं जो कि मतलब ऐसे कुछ हैबिटेट होते हैं जहां पे ऐसे बर्ड्स हैं जो दोनों खाते हैं। तो ये सारा रीजन है, मतलब अलग अलग एरिया में आप अलग अलग कंडीशंस देख सकते हो और कुछ लोग अपना खुद का निश क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको निश के टाइप्स की बात करूं तो एक स्पेशियल और हैबिटेट निश है, फिर ट्रॉपिक निश है और एक मल्टी डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम निश है। तो अब देखो इनके में दोनों को मतलब समझो, स्पेशियल और हैबिटेट निश में क्या होता है कि ये डील करता है बेसिकली किसी भी फिजिकल स्पेस से, और अगर जो ट्रॉपिक वाला है ये बेसिकली डील करता है किसी भी ट्रॉपिक लेवल से। अब आपने ट्रॉपिक लेवल देखा होगा कि इंसान के मूवमेंट का जो लेवल है, किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है, वही हमारा ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। आपने ऐसा एक पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड आपने देखा होगा जिसमें हम लोग की एनर्जी क्या होती है, फ्लो होती है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये बात आपको पता करके रखनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है अपने आप में, ठीक है। सो ये हमारा पूरा कहलाता है ट्रॉपिक लेवल, या फिर किसी भी फूड चेन में आपने इसे 9वीं कक्षा में सीखा होगा, 9वीं क्लास में। नाउ व्हाट अबाउट मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम निश, इसमें बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसमें आते हैं, लाइक बायोटिक है, अबायोटिक है। बायोटिक का मतलब होता है जो मतलब जिंदा है, अबायोटिक मतलब जो जिंदा नहीं है। तो इन दोनों के बीच में एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारे आते हैं और ये रिजल्ट करता है किसी भी स्पेस में या फिर किसी भी हाइपर वॉल्यूम के लिए या फिर कोई तो कोई समथिंग ऐसा जो परसीव किया जा सके ह्यूमन माइंड के द्वारा, ठीक है। यही हमारा मल्टी डायमेंशनल निश कहलाता है, जिसमें ऐसा एक निश जिसमें इंसान कुछ ना कुछ समझ सकता हो, इंसान कुछ ना कुछ उसमें कर सकता हो, कुछ ना कुछ इंसान उसमें पोजीशन ले सकता हो, ह्यूमन माइंड के थ्रू जिसे समझा जा सके, वही मल्टी डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम निश कहलाता है, ठीक है। नाउ अभी हम देखेंगे मेजर अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, एग्जैक्टली मतलब ये कौन सा टॉपिक है, क्या चीज है, इसके बारे में समझने जा रहे हैं। देखो अभी बहुत सारे अबायोटिक फैक्टर जिनके पास कोई लाइफ नहीं होती लेकिन फिर भी वो बहुत सारे हैबिटेट और नीश को प्रॉब्लम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, अब टेम्परेचर कोई लिविंग थिंग थोड़ी है, लेकिन अभी आप समझो क्या होता है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रेलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है। अगर टेम्परेचर नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी एक झटके में। टेम्परेचर नाम की चीज अगर खत्म हो जाएगी ना तो पूरी दुनिया भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर ना तो गर्मी होगी ना ठंडी होगी ना बीच वाला मौसम रहेगा। टेम्परेचर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम कभी नकार नहीं सकते, ये रहेगा ही रहेगा अर्थ में, ठीक है। तो आपको बता दूं कि बहुत सारा एवरेज टेंपरेचर बहुत सारे लैंड में वेरी करता है, सब जीरो लेवल से लेकर के पोलार एरियाज में हाई एल्टीट्यूड में बहुत ज्यादा अपवर्ड 500 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है भाई डेजर्ट वगैरह में। अब जो 500 डिग्री सेल्सियस डेजर्ट में टेंपरेचर जाएगा तो आपका वहां पे पोपट बन जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ऐसे ही अलग अलग सीजन में टेंपरेचर वेरी करता है, ठंडी के मौसम में माइनस में जाता है, गर्मी के मौसम में 40-50 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर जाता है। टेंपरेचर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से वेरी करता है, अलग प्लेन्स में, अलग माउंटेन्स में, माउंटेन के टॉप में अलग रहता है, माउंटेन के बेस में अलग रहता है, अलग अलग इक्वेटर में अलग होता है,
तो इस कंडीशन के हिसाब से ऐसे अलग अलग जगहों में अलग अलग हमारा मतलब टेम्परेचर रहता है। कहीं कहीं तो हॉट स्प्रिंग्स के एरियाज में 80 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर रहता है। ऐसे बहुत सारे मतलब हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी हैं जहाँ पे 4000 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जाता है। तो टेम्परेचर एक बहुत ही एम्बियंट कंडीशन और एम्बियंट इफेक्ट बन चुका है किसी भी एंजाइम वाले काइनेटिक्स में या किसी भी फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में। अगर ज्यादा ठंडी होगी तो लोग अकड़ के मर जाएंगे, ज्यादा गर्मी होगी तो लोग जल के मर जाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम है। इंटायर मेटाबॉलिज्म को संभालने के लिए भी हमारा टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम मीडियम टेम्परेचर हमारी बॉडी को चाहिए, वो मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो किसी भी नीश या हैबिटेट में रहने वाले लोगों के लिए टेम्परेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ गाइस अभी यहाँ पे वाटर के बारे में देखते हैं। अब आप ही बताओ जरा वाटर के लिए नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं ना। तो अभी थोड़ा समझो इसको, व्हाट इज वाटर। अब देखो यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए, और अगर ये नहीं रहेगा तो फिर समझ लो प्रॉब्लम हो जाएगी। और तो और बता दो कि वाटर से ही दुनिया में लाइफ आई है, तो मतलब वाटर कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए। इसलिए दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वाटर जरूर लेता ही लेता है। विदाउट वाटर दुनिया का कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। तो ये बात आपको समझना, मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंसान दुनिया में लाइफ टाइम कभी वाटर ना पिया हो, वो वाटर लेगा ही लेगा, क्योंकि वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और किसी भी ऑर्गेनिज्म विदाउट वाटर जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है क्योंकि वाटर से ही लाइफ आई है, अब आप समझ सकते हो। और हमारे आपको पता होगा हमारे वेदों में हजारों सालों पहले ही बता दिया गया था कि किसी भी बॉडी के 5 एलिमेंट्स होते हैं। आपने सुना भी होगा कि हमारा फायर है, अर्थ है, फिर एयर है, फिर स्पेस है, और उसमें से एक वाटर भी है। तो वाटर हमारे बॉडी का 5 एलिमेंट्स के अंदर आता है और इसी वाटर से हमारी लाइफ बनी है। ये बात आपको मालूम है, दुनिया में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म वाटर में ही आए थे, है ना। चलो इसी में हम सर्वाइव करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हो चाहे कोई भी मतलब ऑर्गेनिजम्स हो, सब के सब ऐसा अडॉप्ट करते हैं कि उन्हें पानी मिलना ही मिलना चाहिए, विदाउट पानी जिंदा नहीं रह सकते। ये बात आपको समझनी है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो वाटर बॉडीज होती हैं, बहुत सारे लेक में, रिवर्स में रहते हैं, ओशंस में रहते हैं, मतलब हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वाटर में, उनको बहुत सारी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर का पीएच बढ़ गया या पीएच वैल्यू कम हो गई तो उनको प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर वाटर जहरीला बन गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर उसके अंदर सैलिनिटी यानी नमक ज्यादा आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें मतलब चेक की जाती हैं किसी भी लेक वाले वाटर में, किसी स्ट्रीम वाटर में, या कहीं पर भी ये सब चेक करते हैं लोग। अगर ज्यादा ऐसा सब कुछ रहा तो वहां के ऑर्गेनिजम्स को इश्यू हो सकता है, ठीक है। Now, आगे बढ़ते लाइट्स के बारे में। आप देखो लाइट क्या है, आपको पता होगा हमारे लिए लाइट जितना इंपॉर्टेंट है उतने उससे भी ज्यादा हमारे प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार हम बिना लाइट के कुछ दिनों तक रह सकते हैं, बट विदाउट लाइट प्लांट्स बहुत दिन तक रह ही नहीं सकते यार। मतलब अधिक से अधिक एक महीना प्लांट रहेगा, बाकी बस खत्म उसके बाद फिर, ठीक है। तो प्लांट्स बेसिकली फोटोसिंथेसिस जो कि लाइट के थ्रू एनर्जी बनाने का प्रोसेस होता है, ये हमारे इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। विदाउट प्लांट काहे का इकोसिस्टम, ये बात आपको समझनी है। तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए इकोसिस्टम परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो हर्ब्स के लिए हो चाहे श्रब्स के लिए हो। श्रब्स हर्ब्स जानते हो क्या होते हैं, ग्रासेस और बड़े बड़े प्लांट्स, इन्हीं को हर्ब्स और श्रब्स कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। अब आपको ये जान लो कि भाई जो लाइट है बहुत ही ऑप्टिमली और बहुत ही अंडर वेरी लो लाइट में हमारा मतलब फोटोसिंथेसिस बेसिकली होता है, और किसी भी टॉल ट्री हो चाहे किसी भी स्मॉल ट्री हो, सभी के लिए ये लाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इकोसिस्टम को अच्छा चाहे तो अच्छा कर दे और बुरा चाहे तो बुरा कर दे। ये बात आपको समझनी है। नाउ अब इस सॉइल के बारे में समझते हैं। तो सॉइल में क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे ऐसे नेचर होते हैं जो कि डिपेंडेंट होता है क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है। मतलब कैसा क्लाइमेट है कहां का, ये सॉइल के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी होती है। वहां का वेदर कैसा है उस हिसाब से भी हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सॉइल में बेसिकली देखते हैं कि भाई उसका कंपोजिशन कैसा है, गेन मेज कैसा है, और उसका बेसिकली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। तो जब भी आप कभी भी एग्रीकल्चरिंग की स्टडी करते हो ना, तो उसमें हम यही देखते हैं कि कोई भी सॉइल में कितना वाटर होल्ड कर सकता है, कोई भी सॉइल कितना वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। टोपोग्राफी की स्टडी करना, कितना मिनरल उसके पास है, कितना पीएच वैल्यू है हमारे सॉइल की, ये कितना मतलब एनिमल्स उसके अंदर मतलब वेजिटेशन प्रोड्यूस कर सकता है फॉर द एनिमल्स। तो ये सारी चीजें बेसिकली हम लोग सॉइल के अंदर चेक करते हैं। सॉइल के अंदर बहुत सारी ऐसी फंक्शनलिटीज होती है, चार फंक्शनलिटीज है। पहला है हमारा रेगुलेट, दूसरा है हमारा कन्फर्म, तीसरा है हमारा माइग्रेट, चौथा है हमारा सस्पेंड। चलो लाइन टू लाइन सबको समझते हैं। पहला है हमारा रेगुलेट। रेगुलेट में बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एबल होते हैं होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। अब आप बोलोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमियोस्टेसिस। देखो होमियो मतलब होता है सेम, स्टेसिस मतलब इक्विलिब्रियम। तो हमारे बॉडी के अंदर ना, जैसे कि हमारा हार्ट काम करता है, ब्रेन काम करता है, लीवर काम करता है, स्टमक काम करता है, और बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड काम करते हैं, और ये सब काम करते हैं बराबर तरीके से,
काम तो सब करते हैं बट ये बराबर तरीके से काम होता है, इसीलिए हमारी बॉडी अभी भी जिंदा है, वरना हमारी बॉडी कभी जिंदा नहीं रह सकती। तो हमारे इसी प्रोसेस को मैंने कि मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन और मेंटेनिंग मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशंस इन द ह्यूमन बीइंग्स, इसी को हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। बेसिकली फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस होता है बहुत सारी बॉडी में ड्यू टू टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, इन सभी की वजह से हमारे बॉडी में रेगुलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ मिट्टी यानी सॉइल। Now, अभी कन्फर्म के बारे में देखते हैं। बहुत सारे ऐसे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं अपने बहुत सारे कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को, और तो और बहुत सारे देयर बॉडी टेम्परेचर को, जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, चाहे कोई भी एनिमल हो, चाहे एक्वाटिक हो, चाहे ऑस्मोटिक हो, कोई भी एनिमल हो, सभी के सभी ऐसा कन्फर्म करते हैं कि उनके पास जो उनका मतलब कंडीशन है वो बहुत ही बेटर रहे, ठीक है। फिर उसके बाद चेक करते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन में आपने सुना भी होगा कि माइग्रेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं किसी भी विद द हेल्प ऑफ ओनली सॉइल, सॉइल की मदद से कोई भी एनिमल एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है किसी भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कहीं पर भी हमारा, चाहे बर्ड्स हो या ड्यूरिंग विंटर हो, कहीं पर भी हमारा मतलब माइग्रेट कर सकते हैं सॉइल का इस्तेमाल करके। सस्पेंड की बात करूं, सस्पेंड में बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो सीड्स जो रहते हैं वो सर्व करते हैं मींस अ टाइड ओवर अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस, दे जर्मिनेट और जर्मिनेट होते हैं, बड़े होते हैं फेवरेबल मॉइस्चर में और फेवरेबल कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर में, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को प्लांट परफॉर्म करते हैं और उनके अंदर डोरमेंसी भी ज्यादातर मेंटेन होती है, और तो और उनके अंदर हिबरनेशन जो होता है यानी कि माइग्रेट करने के टाइम पे जो कंडीशंस होती है उसे हम कहते हैं हिबरनेशन, यानी कि जो पोलार बियर जैसे कि होता है ना उसका एक अलग ही कंडीशन है, पोलार बियर हमेशा बहुत ज्यादा ठंड में रहता है बट अगर उसको गर्मी के मौसम में लगे तो वो मर जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें कंडीशन होती है सस्पेंडेड की, मतलब सबके सब सस्पेंड रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये बात आपको समझ के रखनी है। Now, अभी हम देखते हैं एडाप्टेशन के ऊपर, एडाप्टेशन में क्या क्या होता है। अब देखो, अगर सपोज दैट आप एक इंसान और आपको मैं यहाँ पे लेकर के जाऊँ और सहारा डेजर्ट में छोड़ दूँ, तो आप क्या करोगे, या तो आप मर जाओगे या तो फिर आप क्या करोगे, अपने आपको एडॉप्ट करोगे। तो अगर आप अपना एडॉप्ट करते हो तो फिर वहां पे आपकी जनरेशन बनेगी, आप आगे बढ़ोगे और आपका वहां पे गांव बस जाएगा, सारी चीजें आपकी बढ़ जाएंगी, ठीक है। सो एडॉप्टेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम अपने सर्वाइव करने के लिए बेस्ट पाथ चूज करते हैं, ठीक है, बात आपको समझनी है। तो एडॉप्टेशन में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हम कॉप अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रीम वेरिएशन और एनवायरनमेंट, सम ऑर्गेनिजम्स और सम फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट। देखो, फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट मतलब हमारी बॉडी को एडजस्ट करते हैं और बहुत सारे बिहेवियर का जो एडजस्ट करते हैं, इसी कंडीशन को हम कहते हैं एडॉप्टेशन, ठीक है। एडॉप्टेशन में बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल, मतलब मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से, फिजियोलॉजिकल मतलब हमारी बॉडी से, बिहेवियर मतलब अपने कैरेक्टर्स में, हम लोग क्या करते हैं अपने आप को सर्वाइव करते हैं किसी भी हैबिटेट में और अपने आप को बेस्ट बनाते हैं अपने अंदर के, मतलब बहुत सारे एडॉप्टेशन करते हैं। बहुत सारे ऐसे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जो बहुत थिक और क्यूटिकल वाले होते हैं, लीफ सर्फेस उनके पास रहता है, स्टोमेटा जो उनके पास रहता है वो कभी कभी मिनिमाइज होता है लॉस ऑफ द वाटर में। अब देखो, जैसे कि आपको बता दूं, अपने अगर इन मुंबई से शहर में या कहीं पर भी और जाओ जहां पानी ज्यादा अवेलेबल है किसी भी प्लांट को, तो वैसी कंडीशन में क्या होता है, वैसी कंडीशन में एक ही कंडीशन है कि यहाँ के जो मतलब लीव्स होती है, आपको पता होगा लीफ ट्रांसपिरेशन परफॉर्म करते हैं, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा लीव्स जो होते हैं वो ट्रांसपिरेशन परफॉर्म करते हैं, इस चीज को आपको समझ कर रखना है। तो जो लीव्स होते हैं वो ट्रांसपिरेशन तो ठीक है भाई परफॉर्म करते हैं, लेकिन आपको पता है ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, पानी लीव से बाहर निकलता है, तो अगर इस तरीके से पानी लीव से बाहर गया तब तो बेचारा पेड़ सूख के मर जाएगा। तो अगर आप डेजर्ट में ऐसा हुआ तब तो और प्रॉब्लम है। तो डेजर्ट में ऐसा एडॉप्टेशन हुआ कि वहां के जितने भी प्लांट्स है वो मिनिमाइज होता है उसमें लॉस ऑफ द वाटर को, और ट्रांसपिरेशन अच्छे से ज्यादा अच्छे से होता तो है बट कम पानी लॉस करके, क्योंकि ट्रांसपिरेशन में जानते हो क्या होता है, पानी का लॉस ही होता है ट्रांसपिरेशन में, इतना आपको समझना है। और तो और बहुत सारे स्पेशल टाइप के फोटोसिंथेटिक पाथवे यानी कैम पाथवे जिसे हम कहते हैं क्रैसुलेशन या फिर मेटाबॉलिज्म वाला जो पाथवे होता है, ये सारी चीजों को हम यहां पे परफॉर्म करते हैं। और तो और बहुत सारे डे टाइम में यहां पे सारी चीजें बंद होती हैं, आपको पता है स्टोमेटा ओपन क्लोज होता है डे टाइम में, नाइट टाइम में, तो ये सारी चीजें अपने अपना ऐसा अडॉप्ट किया है डेजर्ट वाले प्लांट्स ने कि उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और वो इजीली क्या कर सके, अपने वाटर को लॉस करें बट इतना भी लॉस ना कर दें कि डेजर्ट में जब उन्हें पानी ना मिले तो वो मर ना जाए। तो प्लांट्स ने क्या किया, अपने आपको बहुत एडॉप्शन किया है और अपने स्टोमेटा से ज्यादा पानी को लॉस ना। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे ऐसे हम लोग अगली वाली वीडियो में। अभी देखो, हमने ऑर्गेनिजम्स के और हमारा हैबिटेट और हमारा जो नीश है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अभी इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में, मतलब हमारा पॉपुलेशन कैसी है, डेथ रेट क्या है और इमॉर्टैलिटी रेट क्या है, मॉर्टैलिटी रेट क्या है, व्हाट इज द नेटालिटी, तो ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में अभी अच्छे से हम लोग सीखेंगे जिसमें हम लोग बहुत ही मजे तरीके से पढ़ेंगे। आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए, जिससे कि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे, और बेल आइकन दबा दो यार, घंटी उसमें आती ना उसको प्रेस कर देने का, जिससे कि आपको ना नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, जैसे कि मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको पता चल जाया करेगा, ठीक है। बहुत लोगों ने कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर लो या तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।